नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता लेनेस्ट मलाड से। स्ट्रेस या तनाव प्रेगनेंसी के दौरान, ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है? इस परिस्थिति में हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है? जब हमारे शरीर में तनाव या स्ट्रेस आता है तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, और क्या इसका असर हमारे बच्चे पर हो सकता है? ये प्रश्न आज हम सारे उत्तर देंगे आज के सेशन में। सबसे पहले तो ये समझे कि प्रेगनेंसी में ये तनाव आता क्यों है। द रीज़न इज कि जैसे ही स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा इमोशनल लेबिलिटी, चिड़चिड़ापना, इरिटेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स, चिंता ज़्यादा होना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हम इस चीज़ को कोप अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारे फैक्टर्स एडअप होते हैं। अपने शरीर में बदलाव आ रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, वो तो एक बहुत बड़ा तनाव की बात है ही है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो बॉडी का बैलेंस है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। उल्टी, चक्कर, वीकनेस, नींद पूरी नहीं होना, कमर में दर्द, पेट में दर्द, पेशाब बार बार जाना, ऐसे कई सिम्टम्स डेवलप होते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं और हमारा रूटीन दिनचर्या डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके अलावा आसपास का जो माहौल है, हमारे आसपास के जो हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे इन लॉज, एवरीबॉडी, उन सब के एडवाइस आने चालू हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान हर इंसान आपको आके ज्ञान देगा कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, और वो सारे फैक्टर्स आपके बॉडी में, आपके दिमाग में भरने लगते हैं। आपके काम, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो परेशानी कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, आगे का करियर का क्या होगा, घर का क्या होगा, घर के जो सारे काम हैं, दिनचर्या, उसका क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स आपको स्ट्रेस देते हैं। बट एक चीज़ याद रखिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उतनी ही स्ट्रेस देंगी जितना आप उसके बारे में सोचेंगे और आपको चीज़ अफेक्ट करेगी। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। जब हमारे शरीर में तनाव आता है तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है? ये तो नॉन फिनोमेना है। जब भी हमें चिंता होती है या गुस्सा आता है या हम लोग कोई चीज़ से भयभीत होते हैं तो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं। कॉर्टिसोल नाम का एक पदार्थ है फॉर एग्जांपल, वो बढ़ जाता है और हमारा बॉडी वो स्ट्रेस जैसी परिस्थिति से कैसे लड़े और कैसे उससे उभर के आए उसके लिए प्रयत्न करता है। अब इसके अलावा उस परिस्थिति में आपके सेफ्टी मैकेनिज्म्स, आपके जो इन्फेक्शन से रोग प्रतिकार शक्ति, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होने लगती है और ये चेंज हमारे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यदि आपको तनाव आए तो। अब आता है तीसरा प्रश्न, क्या तनाव लेने से मेरे शरीर को कुछ होगा क्या, एक्चुअली कुछ होगा क्या? वेल, स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन स्त्रियों ने तनाव ज़्यादा लिया है उन लोगों को इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनको नींद पूरी नहीं आती है, वो रेस्ट बराबर नहीं ले पाते। अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप अपनी दवाइयाँ समय से नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर के पास सही तरह से इलाज कराने नहीं जा रहे हैं, ये सारे जो फैक्टर्स है उससे आपके शरीर पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मेरे बच्चे पे इसका असर पड़ेगा? मेरा जो शिशु मेरे पेट में है उस पर कोई भी प्रकार की परेशानी आएगी? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत डिस्टर्बिंग है। जब आप प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपके बच्चे पर उसका असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ सकता है? समय के पहले डिलीवरी होना, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाना जिसकी वजह से बच्चे पे इफेक्ट पड़ना। कई बार जिन माताओं ने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत स्ट्रेस लिया है वर्सेस जिन लोगों ने अपना प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली गो थ्रू किया है, इनके कंपैरिजन में इन बच्चों में जिनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है वो बच्चे भी डिलीवरी के बाद इमोशनल और कॉग्निटिव इश्यूज से अफेक्ट होते हैं। उनके बिहेवियर में, उनके बर्ताव में थोड़ा सा डिफरेंस आने की संभावना है, जैसे कि ADHD हम जिसे कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, या जिसे कहते हैं इमोशनल लेबिलिटी, वॉयलेंट प्रकृति, ये सारी चीज़ें इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर मदर्स। यहाँ तक कि जब वॉर का समय था, युद्ध का समय था, उस वक्त जो माताओं को डिफ़िकल्टी, स्ट्रेस देखनी पड़ी थी, उसके बाद जो डिलीवरी हुई उन बच्चों में एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चों में काफ़ी बिहेवियरल चेंजेस पाए गए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा जब आपके गर्भ में होता है तब उसकी सारी प्रोग्रामिंग हो रही है, सारी तैयारी हो रही है आने वाले जीवन से लड़ने के लिए, जूझने के लिए, उसके बॉडी में चेंजेस बन रहे हैं। उस वक्त जो चेंजेस अगर उसके शरीर में ऐसे बनते हैं ये सोचकर कि भाई बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण में आप पैदा होने वाले हो, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आप पैदा होने वाले हो, तो बॉडी के अंदर प्रकृति कुछ इमोशनल और कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ
सोमैटिक चेंजेस क्रिएट करते हैं जो इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ उसकी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ याद रखिए, ये तनाव उतना ही आपको अफेक्ट करता है जितना आप उसको अपने ऊपर इफेक्ट करने देते हैं। यदि आप अपने आप को तनाव मुक्त रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, तो आपका हेल्थ और आपके बच्चे का हेल्थ दोनों ही बेहतर हो सकता है। थैंक यू।